नमस्कार दोस्तों, अभी जो है हम अमलवा में उपस्थित हैं और अमलवा के अंडर में ये जो है बेलवा कोठी बोला जाता है। और यहाँ पे जो है अभी हम लोग मनोज वाजपेयी जी के जो है निवास स्थान पर आए हुए हैं। और अभी आपको पता है कि गुलमोहर फिल्म को लेकर के जो उनको एक बार पुनः जो है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो है मिला है, और उसको लेकर के जो है लगातार जो है वो अभी सुर्खियों में है। और हम लोग उनके नजदीकी में रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलो उनके घर पे चलते हैं, उनके परिवार के कोई भी लोग मिलेंगे या उनके आसपास के जो भी लोग मिलेंगे उनका जो है वाजपेयी जी को जो अभी एक बार पुनः जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है, उसको लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, या फिर उनके घर पे उपस्थित। पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो घर आपको दिख रहा है, कैमरामैन से बोलेंगे दिखाएंगे कि ये घर जो है मनोज वाजपेयी जी का जो है पैतृक घर है, जहाँ पे जो है उन्होंने जन्म लिया और यहीं से जो है अपनी प्रारंभिक जो है दिनचर्या की शुरुआत उन्होंने किया था। और ये पूरा जो कैंपस आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि एक यहाँ पे उनके एक छोटे भाई जो है रहते हैं और इन सारे का जो है देख रेख करते हैं। हमारे पीछे कैमरा में देख सकते हैं कि उनके छोटे भाई हैं जो जा रहे हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर वो कुछ बोलते हैं तो। और देखिए वो उनसे जानेंगे हम जरूर। नहीं भैया, एक मिनट रुकिए, एक एक मिनट। उनका कहना है कि हम इन सब चीजों में जो है नहीं पढ़ते हैं, हालांकि हम लोग पहले उनसे जानने की कोशिश किए हैं, बहुत बार मना किए हैं, लेकिन अभी भी आप देखिए कि वो कैमरा शुरू होते ही जो है वो घर के अंदर चले गए। बहुत हम लोग कोशिश किए लेकिन वो नहीं, कुछ बोलने से जो है मना किए हैं, इनकार किए हैं। आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कुछ काम वम जो है कर रहे हैं वाजपेयी साहब के इसे पूरे घर के कैंपस में, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो है उनका उनको मिला है, उसको लेकर के इन लोगों का क्या कहना है। एक हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो जमुनिया सहोदरा से हैं। अच्छा, अभी जो है मनोज वाजपेयी जी को जो है एक बार पुनः जो है नेशनल फिल्म अवार्ड जो है मिला है, उसको लेकर के आप क्या कहिएगा? बहुत बड़ी कामयाबी है जी, और क्या कहेंगे, बहुत खुशी की बात है। आप लोग मतलब स्थानीय हैं और यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने लाइक उनके ये छोटे गर्व की बात है, और जी क्या। जी जी चंपारण से जी इतने बड़े उपलब्धि, इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, बहुत बड़ी, बहुत खुशी की बात है जी जी सारे चंपारण वासियों की। आइए यहाँ पे एक और भी लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का जो है क्या कहना है। भैया देखिए, आइए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कैसा लग रहा है एक बार फिर से जो है वाजपेयी जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसको लेकर के क्या कहिएगा, कैसा? तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। जो है हम लोग यहीं पर हमेशा काम काज करते हैं, हम लोग मिस्त्री है, जी जी बरह मास यहीं पर काम करते हैं जी। और वो लोग पूरे परिवार आते हैं तो भी हम लोग रहते हैं जी, अपना काम करके फिर शाम को हम लोग अपना घर चले जाते हैं, जी जी जब जब ऑर्डर होता है जी तब तब हम लोग आ जाते हैं जी जी बस। आइए एक चाचा हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, अभी वाजपेयी साहब को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अवार्ड मिला है, उसको लेके आपके मन में क्या कुछ है बताइए? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। हाँ, बहुत हम खुशी हैं जी। हाँ, जब हमारे के पुरस्कार मिला है। देखिए हालांकि या चंपारण के ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए जो है बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि बॉलीवुड में जो है उन्होंने जिस प्रकार से अपना जो है नाम कमाया और उसके बदौलत जो है उनको लगातार जो है कई बार नेशनल अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, नेशनल फिल्म पुरस्कार से, और ये पूरा जो है उनका पैतृक आवास है। और इसी यहाँ पर जो है वो हमेशा आते रहते हैं, 6 महीना साल भर पर जो है वो लोग आते रहते हैं, 10 दिन 5 दिन जितना दिन हो रहते हैं, स्थानीय लोगों से जो है आम लोगों की जैसा जो है वो मिलते भी हैं। कई बार हम लोगों ने जो है देखने की इस चीज की कोशिश भी किया गया है, हालांकि जिस प्रकार से वो गांव से जो बिलोंग करते हैं तो उनके अंडर में जो है ये भी चीज देखा जाता है कि उनके अंदर गांव की रहन सहन और गांव में किस प्रकार से रहा जाता है उस चीज को भी जो है उनके अंदर में देखा जाता है, या इसे बहुत सारे फिल्म में उन्होंने इस किरदार को भी निभाया है कि गाँव में किस प्रकार से रहा जाता है या गाँव की आमतौर पर दिनचर्या किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की भी जो है कई सारी फिल्मों में उन्होंने अपने जो है इस प्रदर्शनी को जो है उन्होंने दिखाया है। और साथ ही जब भी वो यहाँ पे आते हैं बिलवा कोठी में जहाँ पे उनका निवास स्थान है, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसी सद्भावना के साथ जो है रहते हैं,
स्थानीय लोगों से मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी बच्चा आ जाए, किसी को मना नहीं करते हैं कि ना हम नहीं मिलेंगे। उनके अंदर में जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े जो सुपरस्टार की छवि नहीं दिखती है गांव में आने के बाद, उनको लगता है चले गांव में आने के बाद जो है हम एक आम इंसान की तरह रहते हैं और सभी लोग से मिलते जुलते हैं। कैमरामैन सिकू के साथ मैं पप्पू कुमार, परिवर्तन तक, बेलवा कोठी।